हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल व्यूअर्स। आज हम जानेंगे लेसिक लेज़र के बारे में। लेसिक लेज़र अगर कोई भी व्यक्ति कराता है जिसके आई के विज़न में प्रॉब्लम है, तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, आज हम इन्हीं चीज़ों को इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले भी मैंने दो ऑप्शन और भी आपको बताए थे जो बेटर ऑप्शन हैं आँखों के विज़न को करेक्ट करने के लिए, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आँखों की जाँच आप घर पर खुद कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था, वो भी आप इसी लिस्ट में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं लेसिक लेज़र के बारे में कि अगर कोई भी व्यक्ति चश्मे का यूज़ करता है और वो उसको हटाना चाहता है, चाहे जॉब के पर्पस से या फिर मैरिज के पर्पस से या फिर कोई और रीज़न है जिस वजह से, तो क्या लेसिक लेज़र एक बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए। तो आइए नज़र डाल लेते हैं इसके एडवांटेजेस पर। व्यूअर्स, इसमें सबसे पहला है कि अगर आप लेसिक लेज़र कराते हैं तो ये आपकी आंखों के विज़न को बिल्कुल ठीक कर देता है, और दूसरा है कि इस प्रोसीजर में कोई भी किसी भी तरीके का आंखों में पेन नहीं होता है, तीसरा कि आपका विज़न ऑलमोस्ट उसी समय ठीक हो जाता है या फिर थोड़े बहुत समय के बाद, यानी थोड़े से कुछ घंटों के बाद आप उसको बिल्कुल नॉर्मल फील कर सकते हैं। इस प्रोसीजर के बाद आपकी आंखों में किसी भी तरीके का कोई टांका नहीं लगता है, जो मोस्टली हम लोगों के कन्फ्यूजन्स रहते हैं। इस प्रोसीजर के बाद आपको आंखों पे किसी भी तरीके की कोई कैप या कोई ऐसा ब्लैक चश्मा या फिर कुछ ऐसा पहनने की ज़रूरत नहीं है जैसा कि लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के बाद पहनते हैं। अगर आपका ये सवाल है कि इसमें कितना नंबर तक रिड्यूज़ हो सकता है, तो माइनस नंबर की अगर हम बात करें, यानी दूर का अगर हमें साफ़ नहीं दिखता है तो उसमें -11 तक रिड्यूज़ हो सकता है, और अगर हमें पास का ठीक नहीं दिखता है तो इसमें +5 तक रिड्यूज़ हो सकता है। बट फिर भी क्या ये टेक्निक अच्छी है हम लोगों के लिए? तो शायद मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जो ICL टेक्निक पर था, जिसमें कि एक लेंस के बारे में मैंने आपको बताया था। आज भी अगर आप किसी भी डॉक्टर से मिलते हैं, अगर वो लेसिक लेज़र के एक्सपर्ट्स हैं, तो वो भी आपको ICL ही सबसे ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि उसके एडवांटेजेस सबसे ज़्यादा हैं। और वो टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो रिवर्सिबल टेक्निक है, जब तक चाहें आप तो उस लेंस को यूज़ कर सकते हैं, और कभी भी आपको अनकम्फर्टेबल फील होता है या आपको लगता है कि मुझे कोई दूसरा प्रोसीजर कराना है, तो आप उस लेंस को निकलवा भी सकते हैं। इसलिए उस टेक्निक को कहते हैं रिवर्स टेक्निक है। लेकिन जहां हम लेसिक लेज़र की बात करते हैं तो ये परमानेंट है, और अगर आपने एक बार इसको करा लिया तो फिर ये रिवर्स बैक नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अगर आप इस प्रोसीजर को कराने जा रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से अच्छे से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि अगर आप अच्छे से पूछेंगे उससे तो वो आपको इस टेक्निक से भी एक बेटर टेक्निक है जो कि ICL है, जिस पर मैंने वीडियो भी बनाया था इससे पहले। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो वो टेक्निक ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो रिवर्सिबल टेक्निक है, और जब चाहें तो आप उस टेक्निक में कुछ बदलाव भी कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के अनुसार। लेकिन यहाँ पर लेसिक में, जहाँ पर कॉर्निया को एक तराश कर और उसको शेप, नया शेप देकर जो आँख के विज़न को ठीक किया जाता है, इसमें फिर कोई और बदलाव नहीं हो सकता बाद में। तो इसलिए ये डिसीज़न लेना बहुत ही गंभीर डिसीज़न है, और इसको बहुत सोच समझ कर ही डिसीज़न लेना है कि हमें लेसिक कराना है या नहीं। व्यूअर्स, आइए अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जान लेते हैं। इस प्रोसीजर में जो चेंजेस कॉर्निया में किए जाते हैं वो परमानेंट हैं और वो रिवर्स बैक नहीं हो सकते। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि पेशेंट को एकदम एक्यूरेट विज़न नहीं मिलता, जिसके बाद उन्हें चश्मा भी यूज़ करना पड़ सकता है। इस प्रोसीजर को करने के लिए हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता है, आपको किसी भी एक्सपर्ट डॉक्टर से ही संपर्क करना चाहिए। अगर आपने ये प्रोसीजर करा लिया है तो एक सवाल ये भी रहता है कि हमारी ओल्ड एज में जो नॉर्मल लोगों को कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, क्या वो हमें होंगी तो हम क्या करेंगे? तो इसका जवाब ये है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि जो भी ओल्ड एज में, यानी 45 से 50 साल की उम्र में, जहां पर पास का हमें ठीक ठाक नहीं दिखाई देता तो हमें चश्मा यूज़ करना पड़ता है, तो वो नॉर्मल, अगर आपकी भी उम्र जब इतनी होगी तो आपको वो चश्मा यूज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रॉब्लम है जो सभी को होती है। तो इसी वजह से ये आपको भी होगी, और उस स्थिति में आपको पास की चीज़ें देखने के लिए चश्मे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन जो दूर की चीज़ें आपको साफ़ नहीं दिखती थी, वो विज़न करेक्ट रहेगा और परमानेंट वो रहेगा।
तो ये कुल मिलाकर इसका ओवरव्यू था कि अगर आप इस प्रोसीजर को अपनाने जा रहे हैं तो इन चीज़ों पर ज़रूर सोच लें एक बार और डॉक्टर से अच्छे से बात कर लें कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। ऑब्वियस कि ये सिचुएशनल स्थितियाँ हैं और टेक्निक में बहुत सारे बदलाव भी हो रहे हैं धीरे धीरे, जो कि आपको और सेफर टेक्निक दे रहे हैं जिसमें आप और अच्छे से अगर कोई भी ऑपरेशन कराते हैं तो करा सकते हैं और उसमें कॉम्प्लिकेशंस ना आए। लेकिन फिर भी जहाँ पर ICL है या फिर लेसिक लेज़र है, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस तो है ही है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है और आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं। तो बिल्कुल अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर आप ICL को यूज़ कर सकते हैं तो वो बेस्ट ऑप्शन है, और अगर जॉब या कोई और कंडीशन ऐसी है जिसमें आप ICL को नहीं अपना सकते तो लेसिक लेज़र को भी आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप अच्छे से उसकी जानकारी इकट्ठा करिए, अच्छे से डॉक्टर से मिलिए, उसके बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में अच्छे से बात करके तब इस प्रोसीजर को कराइए। व्यूअर्स, अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है या इससे पहले के वीडियो से कोई भी जुड़ा हुआ सवाल है तो आप मुझे कमेंट ऑप्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बाय बाय।